नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए टाइप्स ऑफ स्लीव लेकर के आई हूँ जो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं और आपके क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी इसमें मिलान करने के लिए आता है कौन से किससे किसमें क्या चीजें होती हैं स्लीव में, ये बातें इसमें कही जाती हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ स्लीव। देखिए इसमें हमारा रेग्लॉन स्लीव क्या है, रेग्लॉन स्लीव में क्या है कि ज्वाइंट टू द बॉडीज विद डायगोनल सीम रनिंग फ्रॉम द अंडर आर्म फ्रंट एंड बैक। यानी इसमें जो स्लीव होती है इसमें फ्रंट यानी सामने के और बैक दोनों के साइड में कर्व से जुड़ा होता है, यानी कर्व के रूप में ये आगे और पीछे से पीछों को जोड़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं, रेग्लॉन। इस तरह से इसकी जो मतलब की स्लीव बनती है उसकी डिजाइन इस तरह से होती है। देखिये हमने यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की जिससे आपको बातें वो समझ में आ जाए जो ये कहना चाह रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें कर्व से आगे और पीछे की बाजुओं को जोड़ते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, रेग्लॉन स्लीव। अब आपका आता है और किससे जोड़ते हैं, डायगोनल सिम से। किससे, डायगोनल सिम से जोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैप स्लीव। क्या होती है, कैप स्लीव। इसमें क्या होता है, विच जस्ट अबाउट कवर्स द टॉप ऑफ द आर्म शॉर्ट स्लीव। ये क्या होती है, ये शॉर्ट होती है पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो स्लीव होता है उसकी डिजाइन इस तरह से बनी होती है, इस तरह से शॉर्ट में कैप की तरह वो देखने में लगता है, उसे क्या बोलते हैं, कैप स्लीव। यानी देखने में इसका जो लुक होता है वो कैप की तरह दिखता है, ये हमारी क्या होती है, कैप स्लीव। अब आपका आता है लैंटर्न स्लीव। क्या है, लैंटर्न स्लीव। इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग भी होता है और दो सेक्शन में बटे होते हैं। यानी जो लैंटर्न स्लीव होती है वो क्या होती है, वो लॉन्ग होती है यानी लंबी होती है और ये दो भागों में ये बटी होती है। एक तो हमारे आर्म तक आने के बाद, यहाँ से आने के बाद ये दो पार्ट में जाते हैं और दूसरा यहाँ से आपके यहाँ तक आते हैं, यानी नीचे तक की जो आपके आर्म कलाई होती है वहां तक वो पहुंचता है, वो हमारी क्या होती है, लैटर्न स्लीव होती है। यानी ये लंबी होती है लेकिन दो सेक्शन में बटी होती है, उसे क्या बोलते हैं, लैंटर्न स्लीव। नेक्स्ट आते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव। क्या है, लेग ऑफ मटन स्लीव। इसमें क्या है, दिस इज अ फुल गैदर्ड स्लीव। क्या होता है, ये पूरी तरीके से गैदर्ड का मतलब इसमें कपड़े ज्यादा लगते हैं और इसमें इकट्ठे की तरह इस तरह से ये दिखाए जाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, गैदर्ड स्लीव होते हैं। विच टैपर्स टू फिट टूवर्ड्स द रिस्ट, जो कलाई तक यहाँ तक आते हैं ऊपर से लेकर के फिट, मतलब एक तरीके से पूरे वो सेट में होते हैं, रिस्ट तक वो पूरी तरीके से सेट होते हैं और इसमें गेदर्ड होते हैं। क्या गेदर्ड का मतलब, जहां पर इस तरह से उभार आते हैं और इकट्ठे हुए कपड़े होते हैं, गेदर्ड लगाने से फ्रॉकों में किया जाता है, गेदर्ड किया जाता है, तो ये चीजें होती है। इसमें क्या होता है, एक गेदर्ड स्लीव, गेदर्ड मतलब इसमें जो फुल गेदर्ड स्लीव, यानी ये चीज आप इसको बोलते हैं फुल गेदर्ड, तो फुल गेदर्ड स्लीव होती है जो ऊपर से लेकर के नीचे यानी रिश्त तक वो आती है, वो हमारी क्या होती है, लेग ऑफ मटन स्लीव। अब आपका आता है लॉन्ग बेल स्लीव। क्या होता है, लॉन्ग बेल शेप स्लीव क्या होती है, दिस स्लीव हैज अ फॉल, क्या है, फॉल फ्लेयर। इसको फॉल फ्लेयर नहीं होना चाहिए, आपके फ्लेयर होना चाहिए, क्या आपका, फ्लेयर, और दैट द हेम गिविंग इट अ बॉल शेप, बेल शेप। बेल शेप का मतलब है कि जो आपका डिजाइन बनती है स्लीव की वो क्या होती है, वो एक बेल जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपकी क्या है, यहां से ये बेल शेप में दिखाई पड़ता है, इस तरह से वो बनाई जाती है, इसलिए उस नाम उसके आकार से ही उसका नाम पड़ा है, बेल शेप स्लीव, ठीक। तो अब आपका क्या है, बाइसॉफ स्लीव। क्या है, बाइसॉफ स्लीव। इसमें क्या है, दिस स्लीव इज फिटेड, ये स्लीव फिट होती है अपर पार्ट एंड अ फ्लेयर्ड डाउन पार्ट। इसमें क्या है, देखिए ये भी दो पार्ट में आपके होते हैं, इसमें आपका यहां से आने के बाद आपका स्लीव ये इस तरह से डिजाइन बन जाती है, बनाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं, बाइसॉफ डिजाइन। यानी फिटेड अपर पार्ट, ये अपर पार्ट फिट होने के बाद यहां से आपका हल्का ढीला हो जाता है, वो हमारी क्या होती है, बाइसॉफ, क्या होती है, बाइसॉफ स्लीव। नेक्स्ट हमारा है किमोनो। क्या है, किमोनो। किमोनो में क्या है, ये हमारी लॉन्ग होती है, यानी लॉन्ग वन पीस स्लीव दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी।
यानी कह सकते हैं इसका जो शेप होता है पूरा लॉन्ग स्लीव होती है, इसको क्या बोलते हैं, किमोनो स्लीव। और मैं आपको बता दूं, मैंने स्लीव का भी टॉपिक पढ़ाया है और अच्छी चीजें उसमें, मतलब स्लीव के बारे में भी मैंने पढ़ा चुकी हूँ, उसमें से आप लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो कुछ चीजें उसमें नहीं बताई गई जिसमें यहाँ पर कवर कर रही हूँ। किमोनो स्लीव हो गया हमारी जो पूरी पूरी कलाई तक होती है और ये लंबी होती है, ये हमारी क्या होती है, किमोनो स्लीव होती है। नेक्स्ट हमारा पीजेंट स्लीव, क्या होती है, पीजेंट स्लीव। ये स्लीव क्या होती है, दिस इज गेदर्ड रेगलॉन स्लीव, यहाँ पर इस तरह से गेदर्ड बनाए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, विच इज गेदर्ड एट द नेक एंड हेम, यानी यहाँ पर भी गेदर्ड का मतलब जिसको हम फुलना फुलना जैसे आपकी डिजाइन जो बनती पफ की जैसा, उस तरह से यहाँ पर उभार देते हैं। और नीचे जब यहाँ पर हेम जहाँ पे की जाती है, हेमिंग की जो की जाती है, तुरपन जहाँ पे की जाती है, वहां पे इस तरह से बनाया जाता है, वो हमारी क्या होती है, पीजेंट स्लीव होती है। क्या होती है, पीजेंट स्लीव। तो पीजेंट स्लीव में क्या है, दिस इज गेदर्ड रेगलॉन स्लीव विच इज गेदर्ड एट द नेक एंड हेम, यानी यहाँ पर गेदर्ड करते हैं और यहाँ पर गेदर्ड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पीजेंट स्लीव। अब तो ये हमारा यहाँ पर हमने खत्म किया, पहला हमारा रेगलॉन स्लीव जिसमें एक लंबी स्लीव होती है और डायगनल लाइन से जुड़ी होती है, कैप स्लीव कैप के आकार की होती है और इसमें टॉप ऑफ द आर्म शॉर्ट स्लीव, यहाँ से ऊपर से शुरू होता है और बहुत ही शॉर्ट में होता है, इसे बोलते हैं कैप स्लीव। नेक्स्ट आते हैं लैंटर्न स्लीव, ये दो लंबी होती है लेकिन दो सेक्शन में बटी होती है, उसे बोलते हैं लैंटर्न स्लीव। नेक्स्ट हमारा लेग ऑफ मटन स्लीव, इसमें क्या होती है, इसमें गेदर गेदर बना करके जो है स्लीव बनाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं, लेग ऑफ मटन स्लीव। इसके बाद हमारा आता है लॉन्ग बेल शेप, लॉन्ग बेल शेप का मतलब होता है इसमें जो आकार दी जाती है वो बेल के आकार की, घंटी के आकार का वो स्लीव बनाई जाती है, उसे लॉन्ग बेल से बोलते हैं। बाइसेप क्या होती है, इसमें जो है फिट होते हैं अपर आर्म और लोअर पार्ट को फिट किया जाता है, लेकिन जो यहाँ से जो ये दो भी सेक्शन में बांटे जा सकते हैं, इसमें यहाँ तक की दूसरी डिजाइन होती है और यहाँ से आपकी फ्लेयर फ्लेयर बना दिए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेयर बोलते हैं, ये फ्लेयर बना दिया जाता है, ये हमारा क्या होता है, बाइसेप। किमोनो में क्या होता है, ये लॉन्ग स्लीव होती है और जो नेक से लेकर के और रिश तक जो है पूरा होता है, ये हमारी क्या होती है, लॉन्ग स्लीव होती है, किमोनो स्लीव होती है। अब आपका है पीजेंट स्लीव, पीजेंट में क्या होता है, इसमें गेदर्ड बनाए जाते हैं और अपर पार्ट में और डाउन पार्ट में दोनों में, यानी जहाँ पे हेम की जाती है वहां पे भी गेदर होते हैं, जहां से जुड़ा होता है वहां से भी गेदर्ड होते हैं, तो ये है। और यहाँ पे कुछ मैंने नाम लिखा है जिसका केवल नाम जानते रहे कि ये भी स्लीव के नाम है, क्या है, ब्रेसलेट, नॉर्मल और पगोड़ा। क्या है, ब्रेसलेट, नॉर्मल और पगोड़ा। नॉर्मल का मतलब होता है जिसमें नॉर्मल हम लोग स्लीव बनवाते हैं वो क्या होती है, नॉर्मल होती है, तो ये पगोड़ा और ब्रेसलेट भी इसके स्लीव के नाम है। तो आशा करती हूँ आपको स्लीव समझ में आ गया होगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिससे आप जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो आपका निकल जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।